Hello everyone, welcome back to the new vlog. Hope you all are doing well and I am also doing absolutely fine. So, आज है 10th of September and अभी time 12 बजने वाले हैं. मैं अभी अभी fresh हुई हूँ just because रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो light नहीं थी, light आ रही थी जा रही थी तो बड़ी मुश्किल से पानी गर्म हुआ तो इसलिए मैं एकदम fresh हो चुकी हूँ. तो जैसे कि मैंने बताया 12 बजने वाले हैं तो हम लोग लंच करने वाले हैं. तो अभी मैं हूँ बगीचे की तरफ को जा रही हूँ. तो आइए चलते हैं, दादी के पास चलते हैं और देखते हैं दादी क्या कर रहे हैं. और ये देखिए कुकुम्बर निकालने के लिए यहाँ पे खड़े हैं. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी लंबी बेल है. ये देखिए वो ऊपर तक बेल है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे तो मैं आपको दादी की स्ट्रेटजी दिखाती हूँ दादी किस तरह से निकालते हैं. ये देखिए ये दादी ने स्टिक बनाई है, ये डंडा बनाया दादी ने और आगे इसमें क्या लिए छुरी लगाई है. अब क्या करोगे दादी? और ये देखिए एक क्यूकम्बर दादी ने निकाल दिया है. देखिए जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस क्यूकम्बर. सो सैलेड हो चुका है रेडी. अब हम लोग आराम से करेंगे लंच और मिलते हैं आपको लंच के बाद. सो
अभी 6:30 हो रहे हैं शाम के एंड दिन पूरा ऐसे ही निकल गया। मेरे को लगा था कि आज मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ ताकि पूरे दिन भर आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज मेरे गांव में आज था जागरा, था नहीं आज जागरा है मेरे गांव में। तो मैंने सोचा था कि दिन में देवता जी का ध्यान होता है तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, बट दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई एंड मैं पूरा टाइम सोई हुई थी। अभी थोड़े मतलब 5-10 मिनट ही हुए हैं, अभी अभी बारिश रुकी है एंड वैसे तो जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रात को, तो अभी मुझे पता नहीं है रात को कोई जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे घर के मेल पार्टी तो सारी जाएगी बट फीमेल में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो लेट्स सी अगर जाते हैं या नहीं जाते हैं वो देखते हैं, नहीं तो आज का व्लॉग अब मेरे को कल कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो लेट्स सी। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं गांव और हम आपको सीधा मिलते हैं गांव में। सो फाइनली हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मेरे गांव में एक बड़ा सा ग्राउंड है, तो हम लोगों ने कार पार्क कर ली है और अंधेरा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। सो जो मेन चीज़ होती है जागरे की वो ये होती है कि हर फैमिली से जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो लोग जलाते हैं डाया। तो आप देख सकते हैं जो ये फायर यहाँ पे जल रही है, ये बारी बारी करके अपने जो डाये होते हैं वो जलाते हैं और गांव का एक राउंड मारते हैं। और मैं बता दूं जिसको नहीं पता है डाया क्या होता है, तो ये हम लोग घर से ही बना के जाते हैं। ये हम लोग लकड़ियाँ जो बारीक बारीक सी लकड़ियाँ होती है जिनमें आग जल्दी कैच कर लेती है उनको पिंगरी बोलते हैं, पिंगरी जो की, तो उसका एक बंच हम लोग बनाते हैं लकड़ियों का और एक स्टिक सी होती है ताकि उसको अच्छे से हम लोग होल्ड भी कर सकें लंबी सी। और आप देख सकते हैं तो ये ईजिली फायर कैच कर लेती है।
चालिन साइड हो जाओ बेटा। और जब गांव का राउंड लेके ख़त्म हो जाता है तो जितनी भी रिमेनिंग जो लकड़ियां होती है वो हम लोग यहाँ पे जलाने को डाल देते हैं एंड ये पूरी रात भर जलता रहता है। ये और फाइनली हम लोग वापस घर को जा रहे हैं, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम एंड 1 बज रहा है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड। आई हैव वॉश माय फेस एंड ब्रश माय टीथ, सो इट्स टाइम टू स्लीप। होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।